मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव अपना ना बंद कर चुके हैं, और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूँगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से NDA के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं, और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं उसे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर, लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप 4th कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे, कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप 4th कृषि रोड मैप लाने के लिए, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूँ स्वस्थ बहस के लिए बिहार